गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 4 गुजराती चैप्टर नंबर 3 अटला बता रमकड़ा। उसमें हमने पहले स्टोरी तो देख ली, अब देखते हैं पोएम। कौन सी पोएम है हमारी? रंग बेरंगी रमकड़ा। कौन सी? रंग बेरंगी रमकड़ा। चलो देखते हैं क्या है, पहले रीड करते हैं, बाद में एक्सप्लेन। ओके। रंग बेरंगी रमकड़ा नी गाड़ी आवी रे, नाना मोटा जोवा चालो शू शू लावी रे। हाथी घोड़ा ऊंट लावी, चकली पोपट में ना लावी, दड़ा साथे बेट लावी, रीछ लावी, वाघ लावी, वांदरा लावी रे, नाना मोटा जोवा चालो शू शू लावी रे। छुक छुक इंजन गाड़ी लावी, पम पम करती मोटर लावी, उड़तू विमान लावी, नानी मोटी साइकिल लावी, फुग्गा ने फरफरिया साथे मोर लावी रे, नाना मोटा जोवा चालो रमकड़ानी गाड़ी आवी। पीपुड़ा पिस्तौल लावी, नानो एवो ढोल लावी, फरतू चकडोल लावी, बहन माटे डोल लावी, नानी मोटी ढींगलीओने विसल लावी रे, नाना मोटा जोवा चालो सुसु लावी रे। रमकड़ानी गाड़ी आवी। रंग बेरंगी मतलब कलर, हर एक कलर के जो खिलौने हैं, टॉयज है, उसकी गाड़ी आई। छोटे बड़े सब लोग चलो देखने के लिए कि क्या क्या लाई है। तो क्या लाई है? हाथी, घोड़ा, ऊंट, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, स्पेरो, पैरट, बॉल, बैट, बेयर, टाइगर, मंकी, बहुत सारा लाई है। छुक छुक इंजन गाड़ी लाई, ट्रेन भी लाई है, कार भी लाई है, एरोप्लेन भी लाई और साइकिल भी लाई। फरफरिया फुगा, बलून, फरफरिया। फरफरिया जो है वो किससे बना हुआ होता है? कि जो कागज़ होता है, पत्ते जो होते हैं, उससे बना हुआ होता है। जो आप ऐसे हवा में रखोगे तो वो पूरा का पूरा घूमेगा। और उसके साथ में पिकॉक भी लेके आई है। पिपूड़ा पिस्तौल, विसल, ढोल, चकडोल, डोल, ढींगली, सब कुछ लेके आई है। नाना मोटा जोवा चालो सुसु लावी रे, छोटे बड़े सब देखने चलो कि वो क्या क्या लाई है। अब हम देखते हैं क्ष, श्र और रु और रु कैसे लिखते हैं। रु भी टू टाइप के हैं, तो चलो देख लेते हैं जो लेटर है वो कैसे लिखते हैं। फर्स्ट तो क्ष, तो क्ष लिखने के लिए आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके ये किया और फिर ये। अब ऐसा क्ष अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये किया फिर यहाँ से लेके ये। ओके। देन श्र, तो श्र के लिए ये करो, फिर ये किया और फिर यहाँ से ये लाइन की, हो गया श्र। नेक्स्ट है रु। रु कौन सा है? पहले ये किया त्र और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, मीन्स ये हो गया रु। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट ये वाला रु। समझ में आया? कौन कौन सा लेटर था? क्ष, श्र, रु और रु। ओके। नेक्स्ट वर्कबुक जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।